फाइनेंशियल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को लेकर अपना अनुमान काफी कम करके 5.1% कर दिया है। पहले एजेंसी ने 6.3% विकास दर का अनुमान लगाया था। एक अन्य एजेंसी डन एंड बैडस्ट्रीट ने कहा कि निकट भविष्य में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कम रह सकती है। क्रिसिल ने ये बात ऐसे समय में कही जब रिजर्व बैंक 5 दिसंबर को नीतिगत ब्याज दरों की समीक्षा करने वाला है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक 3 दिसंबर से शुरू होगी। क्रिसिल का यह अनुमान जापान के ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा के 4.7% अनुमान के बाद सबसे कम है। रेटिंग एजेंसी ने GDP वृद्धि का आंकड़ा आने के कुछ ही दिन बाद नया अनुमान लगाया है। पिछले सप्ताह शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़े के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर 4.5% रही। इसके कारण पहली छमाही अप्रैल सितंबर में वृद्धि दर 4.75% रह गई, जो कई साल का न्यूनतम स्तर है। एजेंसी ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि औद्योगिक उत्पादन, वस्तु निर्यात, बैंक कर्ज उठाव, टैक्स संग्रह, माल का आना जाना और बिजली उत्पादन जैसे प्रमुख अल्पकालिक संकेतक वृद्धि में नरमी का इशारा कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से बैंक लोन का उठाव घटा है और मांग कमजोर करने की वजह से बिजली उत्पादन में भी गिरावट दर्ज की गई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।